हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर हम आए हुए हैं। मई माह में प्रथम सप्ताह शनिवार में बच्चों को क्या बताना है, इस संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय बिहार के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम मनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार बच्चों को आपदा से बचाव की जानकारी देते हैं। पहले आपदा को जानते हैं, आपदा से होने वाले हानि को जानते हैं और उससे बचने का बेहतर से बेहतर उपाय जानते हैं, मतलब खतरों का न्यूनीकरण करते हैं। तो इस माह प्रथम सप्ताह बच्चों को क्या बताना है, इस संबंधित जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मई माह के प्रथम सप्ताह शनिवार में बच्चों को शेड्यूल के मुताबिक जो बताना है वो है विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्र। इसमें खतरा संबंधित जानकारी पूरे वर्ष तो हम देंगे ही देते ही हैं, लेकिन शेड्यूल जो कह रहा है कि विद्यालय में आप जो आपदा प्रबंधन समिति का गठन किए हैं उसका क्रियान्वयन करने का वक्त है। ये विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्र क्या है इसको हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए क्रम दर क्रम। गत माह अप्रैल माह में सभी शनिवार शेड्यूल के मुताबिक हम लोग कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए। इसको हम अगर एक बार दोहरा लें कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में हम लोग होकर शिक्षक व बाल प्रेरक का चयन कर चुके हैं। अप्रैल माह के प्रथम शनिवार में होकर शिक्षक मतलब पूरे वर्ष, इस वर्ष सभी शनिवार को नियमित रूप से अचूक रूप से बच्चों को आपदा संबंधित जानकारी जो देंगे उनके लिए विद्यालय में सर्वसम्मति से शिक्षक का चयन कर लिया गया है। यानी खतरे संबंधित जानकारी जो बच्चों को दे सके नियमित रूप से वैसे शिक्षक को ही फोकल शिक्षक कहा गया है, उनका चयन हो गया है। एवं बाल प्रेरक प्रत्येक कक्षा में अगर पांचवी तक है विद्यालय तो 3-4-5 कक्षा 3-4-5 से बच्चों का चयन, खास खास बच्चों का 3-3 की संख्या में चयन कर लिया गया है। वैसे बच्चे जो काफी एक्टिव हैं और आपकी बात को बच्चों तक, अन्य बच्चों तक करके या बोल के समझा सके, तो बाल प्रेरक और फोकल शिक्षक का चयन हो चुका है। दूसरे सप्ताह अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन या पुनर्गठन हो चुका है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति मतलब कि विद्यालय में फोकल शिक्षक जो कार्य करेंगे वह एक समिति का गठन किए हुए हैं। अध्यक्ष बीएसएस सभी विद्यालय में हैं, उनके अध्यक्ष हैं और हम जानते हैं कि जो पोषण क्षेत्र आते हैं उनमें पंचायत, उस संबंधित पंचायत के उस वार्ड में जो वार्ड सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं बीएसएस के, और प्रधान शिक्षक के सहमति से कुछ क्राइटेरिया है, इस चीज का वीडियो में हम जिक्र किए हुए हैं विस्तार पूर्वक, वहां पे जिक्र है। सभी कोई मिलकर अध्यक्ष, प्रधान शिक्षक, फोकल शिक्षक व अन्य शिक्षक, बाल प्रेरक जो आप चयन किए हैं पिछले सप्ताह वो, और अन्य जो बाल संसद है उनमें से, और मीना मंच है, अन्य अन्य कैटेगरी से जो बच्चे का चयन हुआ है, इन संबंधित मिल के जो आप
आपदा विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किए हैं, तो उस दिन केवल गठन हुआ था। गठन के बाद हमें क्या करना है, उन गठित समिति के सदस्यों के बीच चर्चा करना इस शनिवार जरूरी है। तीसरे सप्ताह आप हैजार्ड हंट कर चुके हैं, हैजार्ड हंट शब्दों से लगता है कि हंट मतलब शिकार करना, खोजबीन करना, हैजार्ड मतलब हुआ आपदा को पहचानना, हमारे लिए जो संकट पैदा कर रहा है जीवन शैली में उनको खोजना और उनका निदान की प्रक्रिया को अपनाना हैजार्ड हंट हुआ। इसमें चूंकि मौसम भी बाधा दे चुका है तो ये पूर्ण शायद नहीं हुआ होगा, होगा आगे जब मौसम बेहतर होंगे तो इसे पूर्ण कर लेंगे। तो तीसरे सप्ताह में हैजार्ड हंट करना था, वो हम लोग अपने अपने हिसाब से कर चुके हैं। अप्रैल माह का चौथा सप्ताह, इस सप्ताह में अगलगी से खतरे व बचाव के उपाय बताना था बच्चों को, निश्चित रूप में बताए। मौसम भी वैसा था और मौसम के हिसाब से शेड्यूल तय होती है। हर माह, माह छोड़िए हर सप्ताह मौसम कैसा रहेगा अनुमान के हिसाब से शेड्यूल उसी तरह बना हुआ है और पूर्ण सप्ताह पूरे वर्ष का सभी शनिवार का शेड्यूल बना हुआ है। एक बुक है सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत, उस बुक को हम दिखाना चाहेंगे कि वो बुक मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, नजदीक से मगर दिखा तो अच्छी तरह से दिख रहा है। इस तरह के बुक प्रत्येक विद्यालयों में एक एक पीस फोकल शिक्षक तक पहुंच चुका है। यह 2 साल पूर्व की बात है, 2020 या 2019 में उसी समय यह प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक फोकल शिक्षक को विद्यालय में पहुंच चुका है, सबों के पास होगा। अगर शेड्यूल में बुक उपलब्ध नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश, शेड्यूल आप तक हम पहुंचाने का प्रयास निश्चित करते हैं, पूरे वर्ष का भी है और पूर्व अलर्ट हम कर ही देते हैं। तो अगलगी से खतरे व उनका बचाव चौथे सप्ताह में करना था, वो भी हम लोग किए बेहतर ढंग से। पांचवा सप्ताह एक विशेष तौर पे हम जान लें कि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम सप्ताह में एक बार मनाया जाता है और शनिवार को, लेकिन शेड्यूल में 4 सप्ताह का ही दिया हुआ है प्रत्येक माह। तो जिस माह पांचवा सप्ताह शनिवार आएगा उस माह क्या होगा, तो उस पर हम विशेष वीडियो बनाए हुए हैं। एक लाइन लिखा हुआ है कि उस सप्ताह शनिवार स्वच्छता से संबंधित जानकारी बच्चों को देंगे। इस शनिवार जो पांचवा सप्ताह अप्रैल में पांचवा सप्ताह पर आया, उसमें हम लोग को स्वच्छता बताना था, लेकिन विशेष रूप से विभाग का आदेश जारी हुआ कि बच्चों को हम हीट वेव के बारे में जानकारी दें। मौसम काफी गर्म था, परेशानी थी बच्चों को, लू हीट वेव मतलब लू यानी गर्म हवा का चलना लगातार कई दिनों तक और पुनः अचानक गिर गया, तो इन संबंधित बच्चों को जानकारी देनी थी। तो स्वच्छता के साथ साथ उस दिन हीटवेव के बारे में जानकारी बच्चों को दी गई। तो क्रमदर पांचों सप्ताह, पहला सप्ताह अप्रैल माह में पहला सप्ताह जो था वो हम लोग बच्चों को फोकस शिक्षक व बाल प्रेरक का चयन किए। दूसरा सप्ताह विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किए।
तीसरा सप्ताह हजार हंट करवाए, चौथा सप्ताह अगलगी से खतरे व बचाव का उपाय किए, और पांचवा सप्ताह विभागीय आदेश अनुसार हीट वेव यानी लू यानी गर्म हवा का चलना के बारे में बच्चों को जानकारी हम लोग दिए। ये अप्रैल माह का एक समरी था विस्तार पूर्वक। आप चाहें तो पुनः बच्चों को इस पर 10 मिनट समय देकर बच्चों को बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अब आ गए हैं हम लोग मई माह का प्रथम सप्ताह शनिवार में। शेड्यूल कह रहा है विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्र, मतलब आपने जो दूसरे सप्ताह विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया था वो तो केवल गठन किया था ना, उन्हें विशेष तौर पर जानकारी भी तो देनी है ना कि हम जो गठन किए इसका कार्य क्या होगा, किनका किनका क्या अधिकार है, आपके विद्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या प्लानिंग है, इस संबंधित जानकारी हम पूरे कमिटी को देंगे। उसमें कुछ अभिभावक भी रहेंगे, विशेषकर विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं या कुछ अभिभावक हैं, इनकी एक कहा जाए तो बैठक कह रही है करने के लिए। आप इन सबों को एकत्रित कर और पूरे वर्ष का प्लानिंग की चर्चा करेंगे कि क्या कब कब क्या बताना है, एक समरी के रूप में आप उन्हें बताने का प्रयास करेंगे, मकसद क्या है इस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। और निश्चित रूप में कहा जाता है कि आपसे बच्चों का संपर्क बना रहेगा, सभी शिक्षक का सहयोग रहेगा, प्रधान का उनका तो उनके आदेशानुसार ऐसा कार्यक्रम संचालित ही हो रहा है, और जो सचिव हैं, बीएसएस के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सबों को विस्तृत जानकारी रहेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ विद्यालय में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम मनाया जा रहा है और नियमित रूप से मनाया जा रहा है। कभी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि फोकल शिक्षक क्या है, बाल प्रेरक क्या है, आपदा क्या है, आपदा से क्या जानकारी बच्चों को देना है। तो इसलिए इस सप्ताह यानी मई माह के प्रथम सप्ताह में बच्चों को विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति योजना का सूत्रण यही है और जरूरी भी है। और मोटे तौर पर अगर ये कहें कोऑर्डिनेशन ये समन्वय आपस में बना रहेगा और विपरीत परिस्थितियां आती है और उस विपरीत परिस्थिति मतलब खतरे आएंगे तो खतरे का उपाय के लिए तो यही आप हैं, तो फिर इसमें चिंता की बात नहीं है और काफी सहज माहौल में आप बच्चों को और अभिभावक तक अपनी बात पहुंचवाने में सफल रहेंगे। ये था अब मई माह के प्रथम सप्ताह का योजना शेड्यूल के मुताबिक विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण करना। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।